हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, समर एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन करके MSW करके एक जो संस्थान है, इन्होंने सभी वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के सभी वाइस चांसलर को समर सेमेस्टर की एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक लेटर जो है वो लिखा है और अपनी सारी जो डिमांड है वो इन्होंने बताई है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस लेटर में लिखी हुई सारी जो बातें वो बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं अभी आपकी जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड से होने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो फ्रेंड्स ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंट बातें, इनकी जो इंपॉर्टेंट डिमांड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एग्जामिनेशन का जो डिसीजन है वो सेम होना चाहिए। या तो ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन का डिसीजन लो, या ऑफलाइन ले रहे हैं तो ऑफलाइन का डिसीजन लो, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स मैच करके ऐसा कोई डिसीजन नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं अभी आपकी जो समर एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑनलाइन कवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके चलते आपको आपकी जो एग्जामिनेशन में ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसे दोनों मोड, दोनों सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा है जिन भी स्टूडेंट्स के कोरोना के दो वैक्सीन नहीं हुए हैं तो फ्रेंड्स उनकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन कैसे ली जाए और उनको कॉलेजेस में कैसे बुलाया गया, ये इसके ऊपर भी इन्होंने कहा है। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो भी हॉस्टल कोरोना के मरीज़ों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे तो उनको तुरंत से तुरंत साफ़ कर स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाए। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन ले रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें थ्योरी प्लस MCQ और जो सिलेबस है उसको 50% कम कर जो एग्ज़ामिनेशन है वो ली जाए। फिर इन्होंने कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी ने अपना डिसीजन ले लिया है समर के लिए तो फ्रेंड्स वो अपने डिसीजन पर थोड़ा सोच विचार करे और उसको थोड़ा अपडेट करे। सो फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने अपने इस लेटर में बताई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस लेटर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, ये सभी जो पॉइंट है वो वैलिड है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं अभी भी बहुत से स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपनी समर एग्जामिनेशन को ऑफलाइन होते हुए ऑफलाइन लेने के चलते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से कर दूँगा।